हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका मोनिका शर्मा। टुडे आई विल स्टार्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेसो एंड प्रोपोर्शन। ओके, सो फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेसो। ठीक है, तो क्या होता है रेसो का मतलब? द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनादर। मतलब कोई भी टू क्वांटिटीज में कंपेरिजन अगर हमें करना होगा और वो सेम यूनिट की है तो हम किससे कर सकते हैं कंपैरिजन? रेशो से कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमें रिलेशन बताना है टू क्वांटिटीज में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, उसको किससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? रेशो से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहले ये जानो कि रेशो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज से ए एंड बी। सपोज देर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी। ओके, ए एंड बी विच हैज मल्टीपल वैल्यूज। ओके, मे बी रिटन एज ए रेशो बी। ये होता है ए रेशो बी। ठीक है, और एज डिवीजन ए डिवाइड बाय बी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एज द फ्रैक्शन ए अपॉन बी। ठीक है, अब इससे कुछ नहीं समझ में आया, सपोज आपके क्लास में 20 गर्ल्स हैं। कितने गर्ल्स हैं? 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, और 30 बॉयज हैं। तो अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? रेशो है। विच मींस दैट रेशो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए रेशो बी, या फिर ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो 20 अपॉन 30। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये रेशो मैंने फाइंड किया, सिंपलेस्ट फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, क्या होगा? देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया रेशो? 2:3। अगर आपको सिंपली बोलना है कि 20 गर्ल्स और 30 बॉयज का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यानी कि किस रेशो में है आपकी क्लास में, तो आप बोलोगे मैम ये 2:3 के रेशो में। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कि क्यों यूज करते हैं रेशो को? ठीक, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक, कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी। अब देखो आपको ये रेशो देख के समझ में आ रहा होगा कि 3 is greater than 2, which means that the number of boys are greater than the number of girls in the class. ठीक है, number of boys ज़्यादा है, number of girls कम है। ठीक, समझ में आ गया क्लास में? So let me start exercise 12.1. okay, ये आपकी बुक है। ठीक है, absolute mathematics holy faith। ठीक, अब chapter 12 exercise 12.1. This is question first. The question is express the following ratios in the simplest form. आप इसे simplest form में convert करें। Simplest form मतलब जहां तक ये cancel out हो सके वहां तक आपको cancel करना है। Simple meaning ये है। ठीक है, अब देखो 6 upon 15 लिखा हुआ है, तो एक बात बताओ 6 और 15 किसके table में आते हैं? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 6 और 15 किस number के multiple हैं? ठीक है, multiple मतलब जिसके टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल्स में। दोनों का कॉमन लेना है, याद रखना। ठीक है, कॉमन, ऐसा नहीं कि 15 का आप बोल दो मैम 5 के टेबल में और 6 का बोल दो 2 के टेबल में, नहीं। जो कॉमन है, मतलब ये दोनों जो नंबर्स हैं 6 और 15 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर्स आते हैं ना, तो मतलब क्या लेंगे? 3। तो मतलब 3 से कैंसिल आउट इसको करना है। 3 2 6, 3 5 15, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2:5। ये है आंसर आपका। ठीक, अब देखो सेकंड आप करोगे, क्योंकि सेकंड में क्या होगा? सेकंड में आपका 15:5 है, 15:25 है, मतलब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में, तो कैंसिल आउट कर लोगे आप। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड लिखा हुआ है आपका 2:5:7.5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है मतलब इसको सिंपल आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में सबसे पहले लिखना है 2.5 अपॉन 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे
तो जो डेसिमल यूज किया गया है, डेसिमल कहाँ है? आफ्टर वन प्लेस है, इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. ओके, तो मतलब डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25/75. ठीक. और सपोज अगर नहीं होता तो, अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो, ध्यान से देखना, ऐसा लिखा हुआ होता तो 0.75, ऐसा लिखा हुआ होता तो क्या करते हैं आप? ध्यान से देखो क्या करते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमिनेटर में आफ्टर वन प्लेस है डेसिमल, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा और यहां से डेसिमल हट जाएगा. ठीक. और जो डिनोमिनेटर है वहां पे आफ्टर टू प्लेसेस है डेसिमल, ठीक है, तो न्यूमिनेटर में 2 आ जाएंगे, ये डेसिमल हट जाएगा. ये हो गया कंप्लीट. अब इसको कैंसिल आउट करके आंसर आपको बस फाइंड आउट करना. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. अब यहाँ आपने बोला, मैं आपने पूछा मुझसे कि मैम आपने डायरेक्ट कैसे हटा दिया? नहीं हटाते हैं, चलो उसी मेथड से करते हैं. ठीक है, 2.5 लिखा हुआ है. अगर ये नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, 225 मैंने लिखा तो अपॉन में मैंने 10 लिख दिया, क्योंकि डेसिमल आफ्टर वन प्लेस है तो 10 आएगा अपॉन. ठीक है. और अपॉन में कितना है? 7.5, मतलब 75 लिखा मैंने और न्यूमिनेटर में मैंने 10 कर दिया. ठीक है. अब ये टू नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा. अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 25/75, जो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको. ठीक है, समझ में आया कैसे आया? ठीक. अब देखो ये नहीं लिखते, चलो ये लिखते. ठीक है. ठीक, समझ में आ गया ना कैसे उल्टा होता है? मतलब न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में आएगा जीरोस. ठीक है. जीरोस मतलब मैंने क्यों बोला, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, इस टाइप से. ठीक. कितना आएगा? 25/75. ठीक है. अब यहां ध्यान से देखो, मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाया है. ठीक है, जो आपका यूनिट प्लेस है, ठीक है, वंस है, जो वहां पे क्या है, 5 है इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. तो क्या होगा, ये किससे कैंसिल आउट होगा? ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपको 5 का तो, 25 का तो मालूम है, 5 5 25, लेकिन 75 का नहीं पता. तो कैसे करेंगे? या तो आप 75 में 5 का डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट करो. डायरेक्ट कैसे करते हैं? 7 से ज्यादा नहीं हो 5 का टेबल, 5 1 5, रिमेनिंग कितना आया? 2 आया. 7 में से 5 आपने माइनस किया, कितना आया? 2. अब ये क्या हो गया? 25. तो 5 5 25, ये हो गया कैंसिल आउट. ठीक है. यहां करते तो भी उतना ही आता. ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, कितना आ गया आंसर? 15. देखो यहाँ 15 लिखा हुआ है. ठीक, समझ गए. अब देखो ये क्या है, 5/15. अब ये दोनों भी किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में. 5 1 5 5 3 15, 1 3 is your answer. कैंसिल आउट तब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट नहीं आ जाता, मतलब प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते. यहाँ भी ये क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है. ठीक, तब तक आपको कैंसिल आउट करते जाना है जब तक कि टू नंबर्स जो आपको गिवन है वो एक दूसरे से डिविजिबल ना हो. ठीक, ये हो गया. अब देन, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है 15 पैसा देसो रुपीस 1.75. अब यहां ध्यान से देखना आप कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें पैसा और रुपीस है. मैंने एक बात बोली थी जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई रेसो की, कि जो कंपैरिजन होता है वो टू सेम यूनिट ऑफ क्वांटिटीज में होता है, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए. अब यहाँ क्या है, पैसा है, यहाँ पे क्या है, रुपीस है, मतलब किसी ना किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, समझ गए. अगर अलग अलग यूनिट हो तो कन्वर्जन होगा, डेफिनेटली होगा. ठीक, तो रिलेशन मालूम होना चाहिए. तो एक बात बताओ, रिलेशन क्या होता है रुपीस और पैसा में? मैंने पहले बताया, ये आपको खुद से रिवाइज करना है. ठीक है, तो 1 rupees इज इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसा. 100 पैसे. ठीक है, अब ये आ गया. अब देखो 15 as it is, 15 पैसा है तो एज इट इज, अपॉन 1.75. अब ये रुपीस है तो रुपीस की जगह मैंने क्या रखा? 100 पैसा. तो इनटू 100 आ जाएगा.
अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली। अब यहां देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका आफ्टर टू प्लेसेस डेसिमल है, ठीक है। मतलब इसको कन्वर्ट करो क्या आएगा, 15 इंटू 100 हो जाएगा और ये डेसिमल हट गया और इंटू 100 एज इट इज, ठीक समझ गए ये, ठीक है कैसे हुआ ये, ठीक है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और 15 और 175 को कैंसिल आउट करो, किससे कैंसिल आउट होगा, सिंपल यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, मतलब 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 15 5 3 15 रिमेनिंग 2 5 5 25 3/35 इज योर आंसर। 3/35 को क्या लिख सकते हैं, 3 days of 35, ठीक है ये हो गया आपका आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में भी क्या है आपका किलोग्राम और ग्राम है, मतलब यूनिट डिफरेंट है, तो पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, सोचो, ठीक है। तो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ये मैंने पढ़ाया है आपको, देखो दिस इज क्वेश्चन 5th, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15 kg इज इक्वल टू 15 × 1000 कितना आ जाएगा, 15000, ठीक है कितना आएगा 15000, ठीक। लेकिन मैंने इसको 15000 नहीं लिखा है क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे क्यों नहीं लिखा है तो आपको समझ में आएगा, 15 × 1000 लिखा अपॉन क्या लिखा है मैंने 1020। अब इसको कैंसिल करना है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपको सॉर्ट करना है, ठीक है जहां तक हो सके। तो 0 से 0 कैंसिल, ध्यान से देखते जाना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है 100, यहाँ क्या है 102, ठीक। ये किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से होगा, डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया आपको, 2 का क्या होता है 0 2 4 6 8 आपका वंस प्लेस पे होना चाहिए, तो यहाँ है 0 एंड 2, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 5 10 एंड देन 0 एज इट इज, ठीक है ये हो गया 100 कैंसिल आउट 2 से। 102 कैसे करोगे, 2 5 10 2 1 2 ये हो गया कैंसिल 2 से, ठीक है। अब यहां देखो, यहां तो 0 है लेकिन यहां क्या है वंस पे 1 है, ठीक है तो ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, ठीक। लेकिन यहां देखो ये 15 है, ये 51 है, ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। अब आप पूछोगे मैम आपको कैसे पता चला, पता ऐसे चला, इसको ऐड करो 5 + 1 6 5 + 1 6 दोनों में ही 6 आ रहा है, मतलब 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो ये 2 नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, 3 5 15, अब ये आपका 51 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, तो कैसे करोगे, या तो सिंपली आप डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट करो जैसे मैं कर रही हूँ, 3 1 3 रिमेनिंग कितना है 2, ठीक है समझ में आया, 3 1 3। अब देखो जो आप डिवाइड करते हो ना, 3 1 3 रिमेनिंग कितना आता है, यहाँ 2 आता है ना, 5 में से 3 गया 2 आया, तो मैंने वो 2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है समझ में आया, ठीक। कैसे लिखा ये 2, 5 3 1 3 रिमेनिंग 2 3 7 21, ठीक है ये कैंसिल आउट हो गया 51, ठीक कितना आ गया 17। अब एक बात बताओ 5 जो है या फिर 50 जो है वो 17 से कैंसिल आउट हो रहा क्या, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 17 की टेबल में आते ही नहीं है। और आप बोलोगे मैम 17 किसी और नंबर से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है 17 क्या है, प्राइम नंबर है, जो आपने टेबल ड्रॉ की थी आपके कॉपी में, ठीक आपके बुक में ही है वो, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 5 5 जा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जो साइन यूज है वही करते हैं, 5 5 जा 25 और 0 है 0, ठीक है एंड देन अपॉन 17 ये आ गया आंसर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 250 ratio 17 ये हो गया आंसर, ठीक। दिस इज क्वेश्चन 5th एंड देन क्वेश्चन 6th आप करोगे, मैं बस बता देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन में है आपका 1.5 किलोमीटर एंड देन क्या लिखा हुआ है 2500 सेंटीमीटर, ठीक ये लिखा हुआ है, ठीक है।
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक, अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे मालूम, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आपने पढ़ा है और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए? तो इतना आ गया आपका 1 किलोमीटर। अब आपको क्या करना, 1.5 में इसका मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखोगे आप, 1.5 इंटू 1 लाख अपॉन 2500, ये हो गया सेंटीमीटर, मतलब सेम यूनिट हो गई है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेना, 0 से 0 जाएगा। ठीक है, एंड देन ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ये आप कर लोगे। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 20 बैलून्स हैव टू बी डिवाइडेड बिटवीन अमित एंड अंशु इन द रेशो 2:3, हाउ मेनी डस ईच रिसीव। यानी कि क्वेश्चन ये है कि 20 बैलून्स है जिसको अमित और अंशु में डिवाइड करना है, बांटना है। ठीक है, तो और वो बांट के कैसे रहे हैं, 2:3 के फॉर्म में बांट रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हर एक को, अमित को और अंशु को कितने कितने बैलून्स मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये आपने अगर देखा हो, अगर इसको समझा हो, तो ये जस्ट अपोजिट है जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था आपके क्लास का, कि 20 गर्ल्स और 30 बॉयज बोला था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो वो उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब अब आपको रेशो गिवन है और आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना, रेशो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक, अब देखो दिस इज क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब टोटल बैलेंस कितने हैं, 20। ठीक है, 20 को ही डिवाइड करना है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 2+3, ये मैंने क्या किया, ये रेशो को ऐड कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो नंबर दिया हुआ है 5, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू 20 है। ठीक, ये याद रहेगा आपको। ठीक, मैंने बताया आपको रेशो और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होता है, वो एक नहीं होते। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, ये क्या है, ये रेशो है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। ठीक है, किसके, रेसो के, और ये क्या है, टोटल बैलून्स हैं। ठीक, अब बैलून्स अमित रिसीव, कितना अमित ने रिसीव किया वो फाइंड आउट करते, तो अमित का पार्ट कितना है, 2 है, रेसो के अकॉर्डिंग देखें तो 2 है ना अमित का पार्ट, तो 2 अपॉन टोटल कितना है, 5 इंटू कितना आ गया, टोटल बैलून्स 20। ठीक है, 5 4 20 4 2 8, मतलब जो अमित को बैलून्स मिले, जो अमित ने रिसीव किए बैलून्स, वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, बैलून्स अंशु रिसीव कितना आएगा, 3 पार्ट्स है ना अंशु का, मतलब 3 अपॉन टोटल कितना है, रेशो 5 इंटू 20 कितना आएगा, 4 3 12। ठीक है, यानी अमित ने जो बैलून्स रिसीव किए वो 8 है और जो अंशु ने रिसीव किए वो कितना है, 12 है। अब यहाँ देखना, ध्यान से देखना, 8 अमित का है और 12 किसका है, अंशु का है। क्या इससे रेशो आ रहा है आपका सेम, यस, 8 और 12 किसके मल्टीपल है, 4 के हैं, तो 4 2 8 4 3 12, देखो 2:3 ही आ रहा है ना, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, 2:3 ही गिवन था ना, वही आ रहा है, मतलब आपका आंसर एकदम सही। ठीक, समझ गए? ठीक है, अब देखो दिस इज क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखो, अ प्रॉफिट ऑफ 3000 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 पर्संस ए बी एंड सी इन द रेशो 3:4:5, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब ये तो बहुत इजी हो गया, कैसे, देखो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, ये हो गया आपका, सबको ऐड कर दो, रेशो का जो गिवन है आपको कितना है, 2 3 + 4 + 5, ये आपने ऐड किया, कितना आया, 12। ठीक है, 12 आ गया। अब अगर आपको ए शेयर आपको फाइंड करना है, कितना मिला, ए का शेयर कितना है, तो वो इसी रेशो के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब 3 अपॉन टोटल 12 इंटू कितने रुपीस को डिवाइड करना है, कितना, 3000 को, मतलब 3000 इंटू। ठीक है, ये आपने कर लिया, अब इसको कैंसिल आउट करो,
3 1 3 3 4 12, ठीक है। अब 4 से 3000 आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक, या फिर नहीं तो आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। कैसे? ऐसे, ठीक। 4 7 28, रिमेनिंग 2, 4 5 20, 0, कितना आ गया? 750, यानी 750 रुपीस किसको मिले हैं? वो ए का शेयर है। बी का शेयर कितना होगा? 4, बी शेयर कितना होगा आपका? क्या है? 4 upon total 12 into 3000, इसको आप कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है। देन सी शेयर कितना होगा? वो होगा 5 upon 12 into 3000, ठीक है। ये आप कर लोगे, ये क्या है? सी शेयर है। सेम क्वेश्चन था, बस उसमें रेशो आपका 3 टर्म में था, इस वजह से मैंने इसको बताया, ठीक है। दिस इज थर्ड वन। इसको एकदम सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके करना है, जैसे ये मैंने किया है, ठीक है। थर्ड, अब देन फोर्थ क्वेश्चन देखो। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2:1, फाइंड द एंगल्स। आप एक बार बताओ, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 होता है। मतलब कि 3 जो एंगल्स आपको गिवन है उसका टोटल होता है 180। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। एक्सरसाइज 12.1 था, यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया था, तो वो आप राइट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ये होता है, मैंने बताया आपको। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 + 2 + 1, कितने हो गए? 6। अब फर्स्ट एंगल कितना होगा रेशो के अकॉर्डिंग? मतलब 3 upon total 6 into 180, ठीक है। सेकेंड एंगल 2 upon 6 into 180, और थर्ड एंगल 1 upon 6 into 180, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये तो बहुत ही इजी हो गया। कैसे? 3 1 3 3 2 6, ठीक है। अब 2 से 180 डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, 0 एज इट इज। कितना आ गया फर्स्ट एंगल? 90 degree, ठीक। सेकेंड एंगल कितना है? 2 upon 6 into 180, 2 1 2 2 3 6, अब 3 से डिवाइड आपने करना है, तो 3 6 18, कितना आ गया सेकेंड एंगल? 60 degree, ठीक है। और थर्ड एंगल कितना है? 1 upon 6 into 180, 6 3 18, ठीक है। तो 30 आ गया, ठीक है। ये दिस इज थर्ड एंगल, ठीक, समझ गए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो सबसे पहली बार आपने एंगल्स को क्या करना है, ऐड करके देख लो सिंपली। 180 आना चाहिए, ये है 180, ठीक है। 9 + 6 = 15 + 3 कितना आ जाएगा? 18, तो यानी क्या है? 180, ठीक है, समझ गए। इसलिए ये क्वेश्चन आपका एकदम राइट है, ये आपने चेक भी कर लिया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देयर आर 24 गर्ल्स एंड 36 बॉयज इन अ क्लास, ठीक। अब देखो, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये तो बहुत इजी हो गया। देखो 24 गर्ल्स है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 24 + 36, इनका एडिशन ही तो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐड करके आप कर लोगे 24 upon 60, ठीक है। अब इसका आप रेशो फाइंड आउट कर लेना। दिस इज फर्स्ट वन एंड देन सेकंड वन। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया जो क्लास के फर्स्ट में मैंने बताया था, 24 upon 36, ठीक। ये हो गया सेकंड और ये है आपका फर्स्ट, ठीक है। अब देन क्वेश्चन नंबर 6 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।